आगरे का शहीद स्मारक है, जहाँ पर लोग कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये देख लीजिए आप, दिखाया जाए कि ये पूरा आगरे का एक मेन जो संजय पैलेस के एरिया में जो आगरे का सबसे बड़ा व्यवसाय केंद्र कहलाता है, जो ट्रेडिंग सेंटर कहलाता है, उसका ये संजय पैलेस का एरिया है। जो खास यहाँ पर जब किसी शहीदों को किसी भी पूरे इंडिया के अंदर जो भी शहीद होते हैं उस शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग यहाँ पर कैंडल वगैरह जलाते हैं और जो है 2 मिनट या 1 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसी कड़ी में आज पत्रकार महासंघ के कुछ बहुत सारे साथियों ने और पूरे आगरा के जर्नलिस्ट एक होने के बाद विक्रम जोशी, जो गाज़ियाबाद के पत्रकार थे, 3 दिन पहले उनकी बेटी के सामने उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया को जो है तो 4th पिलर कहा जाता है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी लास्ट मंथ में भी उन्नाव में कंपू मेल के पत्रकार को भी गोली मार दी गई थी, वो भी कहीं किसी कवरेज के लिए ही जा रहे थे। अगर पत्रकारों पर इसी तरह हमले होते रहेंगे, जब चौथा स्तंभ भी हमारा जो सुरक्षित नहीं होगा, तो हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो कैसे सुरक्षित होंगे। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ मोहम्मद इस्लामुद्दीन जनवर टाइम साथ। यह पत्रकार संघ जो घटना हुई उसके बारे में क्या है? बड़ी ही एक विकट समस्या से पत्रकार, जो जितने भी पत्रकार भाई हैं वो गुजर रहे हैं। समस्या ये है कि एक पत्रकार अपने जान जोखिम में डालकर समाज में जागृति फैलाने के लिए अलग जगाने की कोशिश करता है, वही पत्रकार जब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तब अलग जगाने का काम कौन करेगा। विगत माह में दूसरे बार हम यहाँ संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं। कारण एक ही है, उस समय हमारे उन्नाव के साथी पत्रकार भाई की हत्या की गई थी, विगत दिनों हमारे गाज़ियाबाद के भाई की हत्या की गई। इस सरकार में पत्रकारों के संग जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही चिंताजनक है। उस पर अफसोस प्रकट करते हुए एक ही मांग करनी है कि सरकार ये सौतेला रवैया पत्रकारों के संग ख़त्म करे, अन्यथा पत्रकारों को भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।